जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री विनोद कुमार तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर अपने बचपन को याद करते हुए श्री विनोद कुमार जी ने कहा कि किसी भी छात्र को सह को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, वह सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके बचपन में इस स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली सुविधा युक्त विद्यालय नहीं मिला था। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया है कि उन्हें जब भी पढ़ने का मन न करे तो वह किसी न किसी स्किल को सीखे, ताकि वह इस स्किल में भी और अपनी पढ़ाई में भी अच्छा अवसर प्राप्त कर सके। अंत में उन्होंने विद्यालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार, प्रधानाचार्य रमा श्रीनिवास, सभी शिक्षक गण एवं अन्य सदस्यों की सराहना की कि यह विद्यालय दरभंगा एवं आसपास के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करने का माहौल दे रहा है। 3 दिनों तक होने वाले इस खेल महोत्सव में स्कूली बच्चों के बीच दौड़, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, बास्केटबॉल, युगासन एवं मार्च पास्ट के साथ साथ कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। श्री विनोद कुमार ने प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले सभी बच्चों को शील्ड एवं मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया। बच्चों ने क्रिकेट, बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन सहित अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया। कल इसे स्पोर्ट्स दिवस का अंतिम दिन है। आप बहुत भाग्यशाली है, ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ इतने अच्छे लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं, गार्जियन भी आपका सहयोग कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत साधारण से स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक साधारण प्राइमरी स्कूल से, जहां पर सब सुविधा को तो हम लोगों ने कल्पना में भी नहीं सोचा था, लेकिन आप लोगों को ईश्वर ने दिया है और ऐसे मार्गदर्शक टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मिले हुए हैं और आपके भविष्य को सुधार रहे हैं और संवार रहे हैं। और ये भी जान लो बच्चों, तुम आगे जाके क्या करोगे तुम खुद नहीं जानते। हर आदमी के लिए एक ईश्वर ने जगह निर्धारित किया है। तुम्हारा जो अपना मस्तिष्क है, दिमाग है, वो एकदम क्लीन है। जिस तरीके का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा वैसा ही आपका भाग्य होगा। कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई सिपाही बनेगा, कोई सेना का अधिकारी बनेगा, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी चीज है कि एक इंसान बनना और देशभक्त बनना।